गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग. अरे पहले हेलो हाय तो कर ले, फिर टारगेट. आ जाओ सारे बच्चे, आ जाओ एक बार, फिर एकदम धमाके से टारगेट डालेंगे. रुको, पहले रुको रुको जरा, लेक्चर शुरू तो होने दो, बात तो करने दो. हेलो हेलो एवरीवन. यार आपके हरीश सर ना बहुत परेशान करते हैं, पता है क्या? मतलब वो खुद लेक्चर टाइम पे नहीं छोड़ते हैं और मैं फिर, मुझे लेट हो जाती है लेक्चर स्टार्ट करने में, बिकॉज वी बोथ आर यूजिंग सेम पीसी ना, इसलिए. आ जाओ आ जाओ. बाकी बच्चे किधर है? व्हाट्सएप ग्रुप में अपने रिप्लाई किया? यस, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल दिया. ओके तो चलो आ जाओ. लास्ट टू पेजेस आर लेफ्ट, ओनली लास्ट टू पेजेस, और फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश. बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में बातें मत करो, अपने आप में बातें मत करो, आओ इधर जल्दी से. चलो आ गए क्या सारे बच्चे? शैल वी स्टार्ट? स्टार्ट कर दे. ओके कल तक देखो अपन ने क्या क्या पढ़ा. अभी तक हमने सिर्फ स्कोप ऑफ मैक, आपको तो नोट्स ही नहीं दिख रही है. ओ तेरी, बोलते भी नहीं हो यार आप लोग, नोट्स नहीं दिख रही है, कौन बोलेगा? हाँ जी चलो. नाउ इट्स ऑडिबल, विजिबल, एवरीथिंग परफेक्ट. ठीक है चलो, अब फटाफट से एक बार अपना टारगेट रिफाइन कर दो अपने आपको. कितना चाहिए, आउट ऑफ चाहिए. अन्ना ये एक बहुत फेमस डायलॉग है, जिस चीज़ को पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से चाहते हैं ना हम लोग, बोलते हैं ना पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में मदद करती है. एक डायलॉग है अपने, कोई कौन सी मूवी का है ये? ओम शांति ओम वाली मूवी का है. अन्य हकीकत है, पता है, आप जिस भी चीज़ को चाह रहे हो ना उसको 100% ऐसे पूरे कि वो चीज़ आपको मिल ही गई है, इतने ऐसे इस तोड़ से चाहो, मतलब कोई उसका ए बट वट का ऑप्शन ही नहीं है, आउट ऑफ मिलना ही चाहे, बस ये इससे करोगे ना तो सच में मिलेगा, ट्रस्ट मी. ठीक है चलो चलो लेट्स स्टार्ट. एक बार क्विकली रिकैप हो जाए, अभी तक हमने क्या क्या देखा? तो हमने स्कोप देखा, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स देखा. तो गाइस स्कोप 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 बोला था, थ्योरी 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 अपने माइंड में आना चाहिए. पहला थ्योरी क्या था? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कैसे मालूम पड़ेगा? हम इकोनॉमी में देखेंगे कि कितना लोग कंज्यूम कर रहे हैं, कितना लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंकों में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हो जाएगा हमारा थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. और इसी ही दो को बोलते हैं, ये देखो ये जो दो दिख रहे हैं आपको, इन दो को आपको बोलोगे थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स. डन. फिर है हमारा स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेकंड वाला पार्ट आता है, वो है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन. जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन. थर्ड वन इज इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ हुई, कितनी डेवलपमेंट हुई है. और लास्ट वाला है रवीप का शेयर कितना है नेशनल इनकम में. याद आ रहा है मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? यस एवरीवन, याद आ रहा है या नहीं? अरे कुछ याद है कि नहीं, कि भूल गए सब? ऐसे मत बोलना, याद है ना? यस ओके. तो चलो आज हम आगे बढ़ने वाले हैं हमारे स्कोप ऑफ मैक्रो. डन. फीचर्स ऑफ मैक्रो. अरे रे रे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रो. कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, वो देखने वाले हैं. ठीक है, फीचर्स बोलो, कैरेक्टरिस्टिक बोलो, नेचर बोलो, सारी चीजें सेम है. ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का कितने बार एग्जाम में आया वो देख लो. मैडम शॉर्ट, अभी शॉर्टकट पे नहीं, पहले कंसेप्ट तो समझ लेने, बाद में शॉर्टकट देखेंगे आराम से. चलो आ जाओ बेटा, आपको ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आपको सब ऑलरेडी आता है, ऑलरेडी सारी चीजें आता है, बिकॉज बेसिक से पढ़ रहे हैं हम लोग. टॉपिक नंबर जीरो से पूरी मेहनत की है. चलो आ जाओ, एक तरफ लिखते हैं
आपने भी ऐसे ही लिखना है मेरे साथ साथ, नोट्स में नहीं है, आपने लिखना है, ठीक है? चलो, ब्रिंग योर पेन एंड नोटबुक। जो बच्चा लेटे लेटे देख रहा था वो तो इतने धड़क से उठेगा अभी। ये लिखना पड़ता है, यस बेटा लिखना पड़ता है ये वाला पार्ट, ठीक है? आपको चाहिए ये स्मूथली लर्न हो जाए तो फिर लिखना पड़ता। लेकर आ गए पेन कॉपी, आर यू गाइज रेडी? एक तरफ लिखेंगे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक तरफ लिखेंगे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहां पे लिखो आप माइक्रो के फीचर्स, लिखो जरा। इसको इतना बड़ा भी करने की कोई जरूरत नहीं है, छोटे से लिखेंगे अपन माइक्रो मैक्रो। ज्यादा नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा करना, सफिशिएंट है। माइक्रो के फीचर्स याद करना जरा, क्या था पहला वाला पॉइंट? क्या था? इंडिविजुअल यूनिट्स की हम लोग, अरे गई याद आ रहा है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर्स, आईपीएस मैम वाला पूरा याद है ना? हाँ, क्या था एक बार? चलो यार एक बार आईपीएस मैम को रिकॉल करते गई फटाफट से, क्विकली। आई से स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, पी से प्राइस थ्योरी, पी से पार्शियल इक्विलिब्रियम, फिर एस टू है, एस स्क्वायर है, पी स्क्वायर है, स्क्वायर राइट। तो एस से स्लाइसिंग मेथड, एस से स्कोप, लिमिटेड स्कोप, उसके बाद में मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस एंड एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, डन। यस याद है? ओके तो यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं इंडिविजुअल यूनिट्स की, स्टडी करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे किसकी स्टडी करेंगे बच्चे? यहाँ पे किसकी स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, ठीक है? ये दोनों फीचर्स हैं, आपने इसके फीचर्स में क्या पढ़ा और आप इसके फीचर्स में क्या होना चाहिए हम लोग वो पढ़ रहे हैं, ठीक है? क्या होना चाहिए, हम पहले अपना खुद का आंसर बनाते हैं, बाद में देखेंगे बुक में क्या लिखा है। ऑल राइट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड वाला क्या था? यहाँ पे प्राइस थ्योरी पढ़ते हो, प्राइस थ्योरी, अरे जरा स्कोप याद है क्या? स्कोप थ्योरी ऑफ क्या था? प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर्स प्राइसिंग एंड ओवरऑल इकोनॉमिक वेलफेयर। तो यहाँ पे प्राइस थ्योरी आ रहा है क्योंकि प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्राइस थ्योरी, यस। यहाँ पे क्या है? अरे स्कोप कल ही तो पढ़ाया, आई एंड ई, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, याद आ रहा है? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, शॉर्टकट में लिख दूँ आई एंड ई, डन। थर्ड पॉइंट, और माइक्रो में क्या पढ़ते हो? मैडम हम यहाँ पे पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस करते हैं, ठीक है? पार्शियल, पार्शियल इक्विलिब्रियम करते हो। अच्छा एक चीज़ बोल दूँ, ये जो ई क्यू लिखा है ये मैंने शॉर्ट में इक्विलिब्रियम का शॉर्टकट लिखा है, ठीक है? आपने एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना, एग्जाम में पूरी शिद्दत ईमानदारी से पूरी पूरी वर्ड्स की स्पेलिंग लिखना, ठीक है? एक भी लेटर उसका गया ना तो मार्क गया आपका, आधा नंबर चला जाएगा। चलो इधर क्या होगा, यहाँ क्या चांसेस है? यहाँ पे आधा आधा, अरे डिमांड और सप्लाई का सिर्फ डिमांड पार्ट, डिमांड और सप्लाई का सिर्फ डिमांड पार्ट की यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या स्टडी करेंगे? डिमांड सप्लाई दोनों साथ में स्टडी कर रहे हैं। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, यस। वहां पे पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होती थी, यहाँ पे एक जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होगी। समझ में आ रहा है? बोलो जी। अरे आर यू गाइज विथ मी? सब मेरे साथ हैं बेटा? इतने कम बच्चे क्यों आज? वाई सो लेस स्टूडेंट्स? बाकी बच्चे किधर है? एक बार अपने ग्रुप में इन्फॉर्म किया? यस किया है, फिर क्या प्रॉब्लम है? अच्छा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अपने जो ऐप में, ठीक है? तो आप ऐप में आपके पेरेंट्स की भी डिटेल वहां पे फिल करो। ऑल राइट, आपको आपके पेरेंट्स की भी डिटेल फिल करनी है आपके एप्लीकेशन में। जो मोबाइल नंबर आपका है वो अलग रखो, जो उनका नंबर है वो अलग रखो। हाँ अगर आप दोनों का नंबर एक ही है तो दोनों में एक ही नंबर डालो। ऑल राइट, तो इस तरह से आपने वो चीज़ करनी है। इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि वी कैन कीप अ ट्रैक रिकॉर्ड कि भाई कितना पार्ट आपने, अगर आप एकदम से आके डाउट पूछते हो तो हम बता सकते हैं ना, भाई आपने ये लेक्चर नहीं देखा बेटा, ये वाला लेक्चर देखो पहले जाके, फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ऑल राइट, तो ये एक सिस्टम का पार्ट है, ये एक पार्ट करो। ऑल राइट ठीक है, चलो आ जाओ। ये समझा, थर्ड वाला पॉइंट समझा, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस
और यहाँ पे क्या जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ये समझ में आया सभी को। फोर्थ और क्या पढ़ा था आपने, फीचर्स ऑफ माइक्रो में स्लाइसिंग मेथड पढ़ा था यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा मेथड होगा, लंपिंग मेथड। सी गाइस अभी तक तो कुछ भी याद नहीं किया है हमने, अरे अभी तक कुछ भी रट्टा मारा है क्या, थ्योरी सब्जेक्ट है ना, रट्टा मारना पड़ता है ना भाई, कुछ रट्टा मारा है क्या अभी तक, कुछ भी रट्टा मारना पड़े क्या? नो, सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग से हो रही है अपने आप, है ना। ठीक है, फिफ्थ वाला पॉइंट, पांचवा पॉइंट, अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से थोड़ा सा समझना। यहाँ पे हम लोग, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस, कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड होता था, याद आ रहा है क्या, सेटेरस पेरिबस, अदर थिंग बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। कोई भी एक लॉ की स्टडी कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड की स्टडी कर रहे थे, तो हमने क्या अज्यूम किया था, हमने ये अज्यूम किया था कि आपकी जो इनकम है वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, आपका जो टेस्ट हैबिट फैशन है वो सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट है, यही चीज़ें हमने स्टडी की थी। तो इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस, सेटेरस पेरिबस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, गाइस याद आ रहा है ना, अरे हाँ या नहीं, भूल तो नहीं गए सारी चीज़ें, ये दिव्या बोलो बेटा, अजम्पशन वाला पार्ट याद आ रहा है, सेटेरस पेरिबस, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस, यस ओके। तो यहाँ पे हम लोग कुछ अजम्पशंस वगैरह लेंगे क्या, यहाँ पे कुछ अजम्पशंस लेंगे क्या, यहाँ पे कुछ अजम्पशन नहीं होता, मैक्रो लेवल पे कुछ अज्यूम नहीं करना पड़ता, जो है उसी को समझो। यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ वी विल एनालिसिस, हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, और हम एनालिसिस करके हमने ये फाइंड आउट किया है भाई कि सारी जो चीज़ें हैं ना वो इंटरडिपेंडेंट है, क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंस, एक वेरिएबल का इकोनॉमी में दूसरे वेरिएबल के साथ में इंटरडिपेंडेंस है मैडम, मतलब बेटा पढ़ा दिया है आपको, पढ़ा दिया, जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको अपने आप ऐसे दौड़ोगे आप, यस यस यस, डन 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 ऐसे करोगे, जॉब होगी तो इनकम कमाओगे, इनकम होगी, इसको ऐसे नहीं, यहाँ एक मिनट ऐसे लिखते हैं अपन, एम्प्लॉयमेंट होगा तो इनकम, इनकम होगी तो कुछ कंज्यूम करोगे, कंजम्पशन होगा तो कुछ सेविंग करोगे, सेविंग होने के बाद में जब वो सेविंग बड़ी हो जाएगी तो इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी नेशनल इनकम बढ़ेगी, और साथ साथ इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, याद आ रहा है क्या, सारी चीज़ें इंटरडिपेंडेंस है यहाँ पे, डन डन, इंटरडिपेंडेंस समझ में आ रहा है क्या। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस लेने पड़ते हैं, मैक्रो में कुछ अजम्पशन की जरूरत नहीं होती है, जो है उसको पढ़ो क्या है, अच्छा ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे, ये इस तरह से पूरा चैनल है, पूरा सिस्टम है, समझ में आ रहा है, क्या अजम्पशन लोगे रे मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे, बड़े पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे क्या अजम्पशन करोगे, समझ रहे हो, कुछ अजम्पशन कर ही नहीं सकते आप, कभी भी कुछ भी चीज होती है, कभी भी कोरोना आता है समझ रहे हो। ओके, ये हो गया आपका फिफ्थ वाला पॉइंट, छठे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ याद नहीं आ रहा यार इधर, और क्या हो सकता है, थोड़ा सा याद करो, IPPSS हो गया, M से मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल है यहाँ पे, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल है ना, यहाँ पे हम लोग ने मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल वगैरह स्टडी किया था, अरे याद आ रहा है क्या, एक इंडिविजुअल यूनिट से कितने, एक एडिशन पेन बनाया कितनी कॉस्ट लगी, ठीक है, एक एडिशन पानीपुरी खाया कितना सेटिस्फैक्शन मिला, एक एडिशन यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं, यस और नो, मार्जिनल मतलब एडिशनल, डन। तो यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे हम लोग, आता है आपको, चिंता ना करो, सारी चीज़ें आती है, बोलो, आई एम जस्ट गेसिंग कि आपका तीर सही निशाने लगता है क्या, एकदम सही निशाने लगना चाहिए, बोलो, सोचो जरा, आसपास हो, एकदम आसपास हो, श्रद्धा बेटा एकदम आसपास है, और थोड़ा, यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स हैं तो यहाँ पे कुछ मॉडल्स हैं, अब बोलो, अब तो सबको आ गया, यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह है तो यहाँ पे कुछ मॉडल्स हैं,
इकोनॉमी के ग्रोथ मॉडल्स हैं, कौन से मॉडल हैं इकोनॉमी के? अरे इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग बताया था आपको, हाँ तो वो ग्रोथ मॉडल्स वगैरह है यहाँ पे। डन, याद आया? अरे किधर गए? इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग याद आ रहा है? मॉडल्स, मॉडल्स मैक्रो में ही पढ़ा था मॉडल। यस ओके, और क्या चीजें हो सकती है, और क्या हो सकता है? सेवेंथ वाले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं आगे, और क्या हो सकता है बोलो? लिमिटेड स्कोप रह गया, बताती हूँ उसको लास्ट में लेता है। इसका वो अपोजिट क्या होगा? वाइडर स्कोप। और क्या हो सकता है बताती हूँ, वो भी बताती हूँ। सेवेंथ, और एक कौन सा पॉइंट रह गया? एक स्कोप रह गया, और कौन सा पॉइंट रह गया? अरे करो ना जल्दी जल्दी से करो, आईपीएस मैम करो। आई से इंडिविजुअल यूनिट, पी से प्राइस थ्योरी, पी से पार्शियल इक्विलिब्रियम, एस से स्लाइसिंग मेथड, एस से स्कोप बोला आपने, एम से मार्केट स्ट्रक्चर रह गया। ओके यहाँ पे हम लोग एक मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, कि मार्केट में क्या स्ट्रक्चर चल रहा है। वो मार्केट जो है ना, मार्केट वो छोटा 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 मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, कुछ सेलर्स आ रहे हैं, याद आ रहा है क्या? डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स की स्टडी कर रहे हैं। और यहाँ पे तो हम मार्केट वार्केट कुछ नहीं, अरे हड़ मार्केट, एक मार्केट कुछ नहीं। ओवरऑल क्या जनरल प्राइस लेवल चल रहा है इकोनॉमी में? जनरल प्राइस लेवल इकोनॉमी में, प्राइस लेवल क्या चल रहा है? जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आप जा रहे हो और एक मार्केट की स्टडी करो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। मैक्रो लेवल का सोचो ना जरा, मार्केट में जाओ मैक्रो लेवल की बातें करो जरा, क्या माइक्रो माइक्रो कर रहे हो पूरा, समझ रहे हो? कंसेप्ट समझा कैसे इंटर रिलेटेड है दोनों पॉइंट? यस समझा, सभी को समझा? आप माइक्रो में मार्केट के स्ट्रक्चर, मार्केट के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हो कि यहाँ पे मोनोपोली है क्या, यहाँ पे ओलिगोपोली है क्या, ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन है क्या, ऐसा। और यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? जनरल प्राइस लेवल। अरे इकोनॉमी में प्राइस कितनी चल रही है ऑन एन एवरेज? पूरे इकोनॉमी लेवल की बात कर रहे हो तुम, मैक्रो लेवल, वड्डा लेवल। यस लास्ट पॉइंट आता है तुम्हारा स्कोप, क्या था? लिमिटेड स्कोप, ठीक है। यहां पे तुम लोग स्कोप स्कोप की बातें कर रहे हो, यहां पे स्कोप स्कोप कुछ नहीं, यहां पे पूरी इंडिया लेवल के लिए पॉलिसीज बनाते हो आप। पॉलिसी ओरिएंटेड है ये, पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस कहलाता है। यहां पे इसका स्कोप की बात कर रहे हो यार, स्कोप स्कोप छोड़ो, क्या स्कोप, कौन सा स्कोप? ये अपने आप में इसका जो स्कोप है बहुत बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा है कि यहाँ पे आप गवर्नमेंट के लिए पॉलिसीज वगैरह बनाते हो, तो इट इज नोन एज पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। पॉलिसी ओरिएंटेड, डन। तो इधर थे आपके ये आठ, यहाँ पे थे आपके आठ फीचर्स, यहाँ पे थे आपके आठ फीचर्स, दैट्स इट गाइस, इतना ही है। और अंदर का भी कंटेंट वो भी वैसे ही कुछ होगा, जो भी कुछ हमने पढ़ा है वही चीज, सारी चीज़ें होंगी, बस एक आधी कुछ पॉइंट्स होगा जो मुझे आपको एक्स्ट्रा बताना, बाकी तो सब आपको पढ़ा दिया है, ऑलरेडी पढ़ा दिया। चलो एक बार क्विकली रिकैप करें, क्या क्विकली रिकैप करें? यस एवरीवन, इधर का पार्ट याद करना और इधर लिखना है, खत्म हो गया आपका। मैडम अगर भूल गए तो, अगर एग्जाम में याद नहीं आया तो, है ना अपना मेमोरी टेक्निक भी तो रेडी है यार, क्या चिंता कर रहे हो? दोनों टाइप के बच्चों के लिए इसका मेमोरी टेक्निक जाना है, CGLPG स्क्वायर, ठीक है। मैक्रो लेवल पे, पूरे इंडिया लेवल पे आपको सब्सिडीज वगैरह मिलती है, LPG के लिए सब्सिडीज वगैरह मिलती है ना, CGLPG 2, इस तरह से कर लो, ठीक है। ऐसे क्या, स्टडी ऑफ एग्रीगेट, आई से इनकम थ्योरी, जी से जनरल प्राइस लेवल, उसके बाद में आई से क्या है इंटरडिपेंडेंस, एल से लंपिंग मेथड, पी से क्या है पॉलिसी ओरिएंटेड, और जी स्क्वायर है ग्रोथ मॉडल एंड जनरल प्राइस लेवल। दोनों याद होगा, चिंता ना करो, दोनों याद करवाऊंगी मैं आपको। इधर से भूल गए ना तो इधर से याद आएगा, इधर से भूल गए इधर से याद आएगा, तो आंसर तो पूरा जाना ही है जाना एग्जाम में,
चांद भूल ही नहीं सकोगे यार, कहाँ जाओगे भूल के। चलो स्टार्ट करें वापस एक बार, क्विक रिकैप वो छोड़ दो मुझ पे। जब ये पॉइंट खत्म हो जाएगा ना मैक्रो इकोनॉमिक्स का, फीचर तो मैक्रो, तब बोलना याद हुआ या नहीं हुआ। ठीक है चलो अभी क्विकली रिकैप करते हैं। अंडरस्टैंडिंग हो गई, चीज़ें समझ में आई, पक्का से रट्टा मारना पड़ा क्या कोई भी पॉइंट को? रट्टा मारना पड़ा क्या? बोलो जल्दी जल्दी, कुछ भी चीज़ें लर्न करनी पड़ी है क्या? हाँ जी बोलो। चलो यार थैंक यू थैंक यू, श्रद्धा बोल रही मैम आप हो तो रट्टा किस बात का। चलो आ जाओ, थैंक यू बेटा। क्विकली रिकैप करते हैं इधर, फीचर तो माइक्रो में क्या क्या था? आईपीएस मैम आई से स्टडी ऑफ इंडिविजुअल प्राइस थ्योरी, पार्शियल इक्विलिब्रियम, स्लाइसिंग मेथड, लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप अपना इधर नीचे गया, ठीक है। फिर मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, एनालिसिस ऑफ मार्केट बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन, और लास्ट में है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। तो बस इसको लिखो और इसको लिखो, इधर देखो बस इतना इतना करना आपको, ठीक है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल पढ़ते हैं हम अग्रीगेट पढ़ते हैं, है क्या इंडिविजुअल इंडिविजुअल की बात करें, हम पूरे अग्रीगेट की बात करते हैं। ओके प्राइस थ्योरी, पर्टिकुलर प्राइसेस की बात करते हो तुम, हम यहाँ पे इनकम पूरे इंडिया लेवल की इनकम और एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, समझ रहे हो? मैक्रो लेवल वड्डा लेवल, हमेशा ये एक एस्पेक्ट रखना माइंड में। अभी दूसरा स्ट्रैटेजी से पढ़ा रही हूँ आपको। यहाँ पे पार्शियल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं हम, डिमांड सप्लाई दोनों साथ में देखना चाहिए, तो सिर्फ और डिमांड देखते हैं। यहाँ पे डिमांड सप्लाई प्राइस तीनों साथ में देखेंगे, डिमांड भी देखेंगे सप्लाई भी देखेंगे प्राइस भी देखेंगे कि कितने प्राइस पे कितने की डिमांड आती है और उस प्राइस पे सामने वाला सप्लाई कितना करता है, समझ रहे हो? ये हो गया आपका जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, अंदर का कंटेंट भी बता रही हूँ अब साथ साथ। स्लाइसिंग मेथड, यहाँ पे हम टुकड़े टुकड़े करते हैं, यहाँ पे पूरे एज एन होल लम्प्स की स्टडी करते हैं, लंपिंग मेथड डन। ये पॉइंट तो बहुत ही सिंपल है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हम लोग। अजम्पशन बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन, अरे तुमको कुछ अजम्पशन करने की जरूरत होती है, हम अजम्पशन नहीं देखते, हम इंटरडिपेंडेंस देखते हैं, याद आ रहा है इंटरडिपेंडेंस? ठीक है क्या देखते हैं हम लोग? इंटरडिपेंडेंस देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट होगा तो अरे जॉब होगी तो इनकम होगा, इनकम होगा तो कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन होगा तो सेविंग होगा, जब सेविंग बड़ी हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट बड़ा हो जाएगा तो क्या करोगे? आउटपुट जनरेट करोगे, आउटपुट जनरेट करोगे तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ी इंडिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो बढ़नी है बॉस, समझ में आ रहा है पक्का से? फिफ्थ पॉइंट गई, फिफ्थ पॉइंट डन। कुछ ही पॉइंट यहाँ पे है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें से पहला वाला फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट सभी को समझा पक्का से? सिक्स वाला पॉइंट आता है मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। ए तुम एडिशनल एडिशनल यूनिट का बात करते हो, हम पूरे यहाँ पे तुम प्रिंसिपल पढ़ रहे हो, हम यहाँ पे पूरे इकोनॉमी का ग्रोथ मॉडल पढ़ते हैं, तुम प्रिंसिपल हम मॉडल, यहाँ पे क्या प्रिंसिपल, यहाँ पे क्या है मॉडल्स है। ऑलराइट यहाँ पे मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल है तो यहाँ पे इकोनॉमी का ग्रोथ मॉडल वो याद रखना, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग तो वो मॉडल से याद रखना, ठीक है। मैंने आपको सर्कुलर फ्लो पूरा पढ़ाया था, वो चैप्टर नंबर 6 का है, तो अगर अभी भी आपने नोट्स में अगर आपने अपडेटेड नहीं किया है तो फटाफट से जाना वो लेक्चर देखना, आपके पास लेक्चर है नंबर ऑफ टाइम्स, देखो यार ऐसे कभी सो रहे हो आराम कर रहे हो, ठीक है, घूम रहे हो वॉक कर रहे हो, कान में हेडफोन लेक्चर चालू इकोनॉमिक्स से ऐसे ही हो जाना है, ऐसे 30-30 मिनट्स के तो लेक्चर्स है अपने, ठीक है। ओके चलो आ जाओ, और फिर अपना क्या है, और फिर क्या है बच्चों? यहाँ पे मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल देखा, यहाँ पे हम लोग मॉडल देख रहे हैं, प्रिंसिपल मॉडल्स, तुम प्रिंसिपल प्रिंसिपल की बात करते हो, मॉडल्स की बात करते हैं, ठीक है, जो पूरी इकोनॉमी में इम्पैक्ट करने वाली है। ओके फिर यहाँ पे क्या है मार्केट स्ट्रक्चर, तुम मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हो, हम तो पूरे जनरल प्राइस लेवल की बात करते हैं जी। यहाँ पे स्कोप है और यहाँ पे क्या है पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस, तुम स्कोप माइक्रो इकोनॉमिक्स में तुम ये बोलते हो कि तुम्हारा स्कोप जो है वो लिमिटेड है या बड़ा है, ऐसी कुछ बात करते हो ना, स्कोप की बात करते हो, हम तो यहाँ पे पूरे इंडिया लेवल के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, समझ में आया क्या सभी को? हुआ मेरे साथ में लर्न? अच्छा नहीं हुआ तो चलो आओ इधर वापस से, पॉइंट सात में होने ही चाहिए और पॉइंट पूरे 9 के 9 8 के 8 लिख कर आना है, सारे पॉइंट्स आपके आंसर शीट में उतरने चाहिए, ठीक है। वही एक है ऐसे क्या है, फटाफट से देखो स्क्रीन पे, ऐसे क्या है, ऐसे स्टडी ऑफ अग्रीगेट्स, अग्रीगेट की स्टडी करना, आई से इनकम थ्योरी, जी से जनरल इक्विलिब्रियम, आई से इंटरडिपेंडेंस, उसके बाद में सी जी हो गया, एल लंपिंग मेथड, पी पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस, जी ग्रोथ मॉडल, जी जनरल प्राइस लेवल, बहुत सिंपल है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है, ऑब्वियसली जब आप इंडिया लेवल के जब बात करते हो ना तो
सब चीज़ें अपने आप नहीं होती है, ठीक है। आप पूरे इंडिया लेवल के लिए आप सब्सिडीज वगैरह दे रहे हो, एलपीजी के लिए सब्सिडीज दे रहे हो, तो वो उस पॉइंट से इंटर रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको इंटर रिलेशन भी बताया बेटा, जो मेमोरी टेक्निक्स वाले उनको मेमोरी टेक्निक, जिनका ऐसे हो रहा है वो ऐसे। इधर थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगता है, सी जी एल पी जी स्क्वायर में दिमाग नहीं लगता, ऐसे स्टडी ऑफ मेरे साथ साथ बोलोगे घर में बैठ के, बोलो पागलों की तरह पढ़ो, बहुत मजा आती, जन्नत लगता है, और अपना जो एम है ना वो नज़दीक आते हुए लगता है, वही चाहिए तो बोलो ना फिर। मैडम क्या फ़ायदा यार, आप इतना बोलते हो 100 100 100 out of 100 करने से फ़ायदा क्या है, ये बता दो ना यार। ज़रा एक बात बोलूँ, आपकी जो रिस्पेक्ट होगी ना वो अल्टीमेट होगी, आपके मॉम डैड की जो आंखों पे, मतलब आप आई मीन आई डोंट नो, यू हैव 10th स्टैंडर्ड में जब आपके अच्छे परसेंटेज आए होंगे ना, तब सच में आपने ये चीज़ फील की होगी यार, मतलब एक अच्छी तरह से बात हो रही है हमसे, एक ना एक स्पेशल ट्रीटमेंट हो रही है अपने खुद के घर में। 12th स्टैंडर्ड, ठीक, सिर्फ 12th स्टैंडर्ड का पर्सन, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा को जो चाहिए, जिस यूनिवर्सिटी, जिस कॉलेज में चाहिए, सिम्बॉयसिस चाहिए या जमनलाल बजाज चाहिए मुंबई का, जिस कॉलेज में चाहिए उस कॉलेज में एडमिशन होगा, उससे बड़ी बात कोई नहीं है। विथ स्कॉलरशिप होगा, मॉम डैड के पैसे पे नहीं पढ़ेंगे फिर यार गाइस, खुद के दम पे पढ़ेंगे, हो गया ना, मांग लेना उनसे 8,000, और कितना मांगेंगे, समझ रहे हो क्या। और इतने मस्त लेवल से पढ़ने के बाद में आपको जब आपके परसेंटेज बेसिस पे 12th स्टैंडर्ड पे कोई बच्चा है, मैडम नहीं है हालत, मुझे तो जॉब करना ही पड़ेगा, घर वालों को मुझे सपोर्ट करना है, तो भी बेटा तुम तुम्हारे पैर पर खड़े रहोगे, ट्रस्ट मी, 12th स्टैंडर्ड के बाद में तुम खुद जॉब कर सकोगे। नहीं होगा ना तो मेरे पास आ जाना, मेरा नंबर आप सभी के पास मैं नीचे स्क्रीन पे दिखा दिया हुआ है, आई बी देयर। मैंने ऑलरेडी कई सारे मैं मतलब यू नो ग्रुप्स में भी हूँ, तो मैं वहाँ पे आपको बता दूंगी, ठीक है। पुणे लेवल पे हो तो ऑब्वियसली आई कैन हेल्प गाइस, पुणे में हो तो ठीक है, जहाँ पे भी आपको कोई भी एरिया में जहाँ पे भी जॉब मिलता है तो ऑब्वियसली फ्रेंड सर्कल है इतने, वी कैन हेल्प सपोर्ट यू, तो चिंता मत करो यार। बस आज आप अभी आज वाला जो आपका काम है ना उतना अच्छे से करो, आगे की चिंता छोड़ दो। अरे सीए फाउंडेशन में भी सीए करना है मैडम, सीएस करना है मैडम, एमबीए करना है, लेकिन पैसे नहीं है, जॉब कर करके घर में देंगे कि कहाँ से पैसे हमारे पढ़ाई के लिए जमा करेंगे। बेटा स्कॉलरशिप मिलेगी ना, फाउंडेशन लेवल पे भी स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलती है, आप पास होगे उस दिन पूरा अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, लेकिन परसेंटेज चाहिए। ऐसी एरे गेरे लोगों को नहीं मिलता है। मैंने खुद ने स्कॉलरशिप ली है, मैंने खुद ने सारे लेवल्स में, ग्रेजुएशन लेवल से लेके सब लेवल पे मैंने स्कॉलरशिप लिया, बता रही हूँ, मैं खुद आपको बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा कोई ऐसे वेल एस्टैब्लिश फैमिली से नहीं था, बट जो भी किया है खुद के दम पे किया है, ठीक है। तो लड़की हो के भी ना सब चीज़ कर सकते हैं यार, हर एक चीज़ पॉसिबल है। ऐसे मत मतलब ना अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो यार कि मैम ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा सिचुएशन ब्लेम मत करो। घर में वन रूम किचन है ना, ऊपर टेरेस पे जाके पढ़ाई करो। आई नो मेरी आप लोगों से बातचीत होती रहती है, मुझे पता है आप लोग बोलते हो मैडम वन रूम किचन है, जगह नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। अरे बच्चे ऊपर जाके पढ़ो ना, सीढ़ियों में जाके बैठो ना, सीढ़ी में जाके कान में हेडफोन लगाना, नहीं है बारिश नहीं है तो घूम लो, है ना ऑप्शंस, और क्या चाहिए। कुछ भी दिक्कत आती है ना, नंबर है, प्रीति मैडम का नंबर है, एंड आई विल बी ऑलवेज बी देयर फॉर यू। आप बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे तो स्पेसिफिकली मैं आप लोगों के साथ रहूँगी जब तक अपने पेपर्स पूरे नहीं हो जाते, ठीक है। तो चिंता मत करो यार, कुछ भी डाउट्स होंगे, बस एक रिक्वेस्ट है यार, लाइव आओ, इस तरह से मॉम डैड के पैसे मत बर्बाद करो यार। हो गया ना, अरेंजमेंट हो गई ना, क्लास लगा ली ना, तब इसका इफेक्टिव यूज तो लो, ठीक है। जब आप खुद पढ़ते हुए दिखोगे ना घर वालों को, आपके घर वाले सब करेंगे आपके लिए, सब करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। चलो आ जाओ, क्विकली रिकैप करना है फटाफट से। अरे आप सोच नहीं सकते यार, लाइफ कितनी जन्नत होगी, पता है क्या, इतनी जन्नत होगी ना, मतलब यू वुड हैव नेवर इमेजिन्ड। चलो आओ इधर, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स मेमोरी टेक्निक के साथ करेंगे। बिकॉज कोई बच्चा बोलेगा मैडम मेमोरी टेक्निक नहीं हो रही है, आपको मैंने वैसे वाला भी बता दिया, बट अगेन क्यों दिमाग लगाना है वो सारे, इधर पॉलिसी, इधर प्रिंसिपल, इधर मॉडल, क्यों क्यों है ना, कोड तैयार, तो आ जाओ ना यार इधर। ऐसे क्या है, स्टडी ऑफ अग्रीगेट्स, ठीक है, अग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं। फिर आई से क्या है, बोलो ना बच्चे, आई से इनकम थ्योरी है। पी से क्या है, आई एस आई हो गया। जी से क्या है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। फिर आई से क्या है, इंटरडिपेंडेंस, सी जी हो गया, ठीक है। एल से क्या है, लंपिंग मेथड। पी से क्या है,
पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस, फिर जी से क्या है ग्रोथ मॉडल, जी से क्या है जनरल प्राइस लेवल, वापस से CGLPG स्क्वायर, वापस से बोलना है मेरे साथ में। और अब हो जाओ यार, उठ के खड़े हो जाओ जरा, क्यों बैठे हो, क्यों आराम से ऐसे आड़े टेढ़े बैठ के क्यों पढ़ रहे हो, उठो फटाफट से एनर्जी लेवल लेके आओ। ऐसे क्या है स्टडी ऑफ अग्रीगेट, स्टडी ऑफ अग्रीगेट, अग्रीगेट की स्टडी करते हैं, इनकम थ्योरी होती है, फिर जी से जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होती है, फिर एल से क्या है, फिर आई से इंटरडिपेंडेंस है, सब पूरा इंटरडिपेंडेंस है याद आ रहा है, फिर एल से लंपिंग मेथड है, पी से क्या है बोलो, पी से क्या है पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस है यहाँ पे, और फिर जी से क्या है ग्रोथ मॉडल है, फिर जी से क्या है जनरल प्राइस लेवल की यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। ऑल राइट, आई होप मस्त तरह से हो गया आप लोगों का, यस पक्का एवरी वन ऑफ यू। कल हम लोग इसके जो भी अंदर के कंटेंट्स है वो देख लेंगे, बट आज के लिए भी आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो भी फीचर्स है उसको शांति से पढ़ोगे, दो बार लिखोगे। मैडम कल कराओगे, अरे डाउट तो रेज करोगे ना, लिखोगे नहीं प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डाउट क्या रेज करोगे, समझ में आ रहा है, और लेक्चर्स के दौरान डाउट रेज करोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और हमारे जो लाइव जो रिकॉर्डेड बच्चे हैं उनको भी हेल्प हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो पूछ नहीं पा रहे हैं आपसे। चलो एग्रीगेट्स में क्या है, देखो सारे यही सारे टर्म्स हैं, वही जॉब है तो इनकम है, इनकम है तो कंजम्पशन, ये पूरा सीक्वेंस है। इनकम थ्योरी में देखो इनकम है तो नेशनल इनकम के बारे में यहाँ पे कुछ बातचीत है, क्या फ्लक्चुएशंस क्यों होता है नेशनल इनकम में, वही सारा पॉइंट है। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में हम लोग डिमांड सप्लाई और प्राइसेस तीनों की एक साथ स्टडी करते हैं। इंटरडिपेंडेंस में क्या है, अगेन वो पूरी सीक्वेंस लिख दो अपनी चैनल, जॉब है तो इनकम है, इनकम है तो वो पूरा सीक्वेंस। लंपिंग मेथड में क्या है, अरे प्रोफेसर बोल्डिंग गाइस आता है आपको, अब सब अब प्रीति मैडम का काम खत्म, अभी कोई एफर्ट्स नहीं लेने, एफर्ट्स ले लिए मैडम ने आपके टॉपिक जीरो में, ठीक है। इसमें क्या है, इट इज एग्रीगेशन ऑफ फॉरेस्ट नॉट द ट्रीज, ठीक है। पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस क्या है, यहाँ पे हम लोग पॉलिसीज बनाते हैं, किसके लिए पॉलिसी बनाते हो, कि इकोनॉमी में ग्रोथ कैसे ज़्यादा हो, एम्प्लॉयमेंट जो लोगों को जॉब नहीं है ना वो एम्प्लॉयमेंट कैसी बढ़ाया जाए, जो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई ना उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करें, बस वही सारी चीज़ें हैं। ग्रोथ मॉडल में हम लोग यहाँ पे डिफरेंट मॉडल स्टडी करते हैं ताकि इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो। यहाँ पे एक मॉडल मैं आपको कल डिटेल में बताने वाली हूँ, महलनोबिस मॉडल। और लास्ट में जनरल प्राइस लेवल की इकोनॉमी में चेंजेस क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है कि इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल में चेंजेस हो रहा है, और जनरल प्राइस क्या होती है, एवरेज प्राइसेस निकाल लो, कुछ 8-10 जो भी अच्छे कमोडिटी थे उनके प्राइसेस लेंगे गवर्नमेंट और उसका एवरेज कर लेंगे, खत्म डन पक्का वाला। सो ये पार्ट आपके आप सभी के लिए होमवर्क है बेटा, सभी के लिए होमवर्क है, 2 times एटलीस्ट करना है। और हाँ यार बच्चे, नोट्स में मैंने जानबूझ के शॉर्टकट किया है बिकॉज नोट्स अपनी कंपाइल्ड अप दिखे, शॉर्टकट दिखे ना तो बच्चों को मजा आता है, या सिर्फ 2 lines पढ़नी, सिर्फ 3 lines पढ़नी, बहुत ऐसे जन्नत लगता है, ठीक है। इसलिए आपके मैम ने ऐसे यूज़ किया है, तो आपने ये देखो यहाँ पे भी देख रहा है GP यूज़ किया है, अब इसको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, जनरल प्राइस है, तो एग्जाम में भी डिमांड सप्लाई को DS नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज को पूरा गुड्स पूरा सर्विसेज, होमवर्क करते वक्त इस तरह से नहीं करना, आज ही से प्रैक्टिस करोगे ना तो एग्जाम में गलतियाँ नहीं होंगी, ठीक है। तो नो शॉर्टकट्स, 30 subjects में मार्क्स कट जाएंगे, और इतनी मेहनत करने के बाद में आधा नंबर भी कटे ना तो मंजूर ही नहीं है, बिल्कुल मंजूर नहीं है, ठीक है। चलो टिल देन बाय बाय, कल फिर मिलते हैं 7:00 PM आपके प्रीति मैम के साथ। ऑल राइट, चलो बाय बाय एवरीवन, होमवर्क करोगे ठीक, चलो बाय 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 बाय, लव यू ऑल, बाय बाय, अच्छे से पढ़ो, वी आर देयर टू सपोर्ट यू इन ऑल एस्पेक्ट्स, ऑल राइट, बस अच्छे से पढ़ो, ठीक है, चलो बाय बाय।